और बहुत बुरी बॉडी की हालत कर रखी थी, स्टंट से निशान पड़े हुए थे कुछ बॉडी, बहुत बुरा सीन था उसके साथ। 5-6 बजे तक पब्लिक देखते जाते रहे उसको, 9 बजे के आसपास बॉडी गई है। यहाँ पे 2 गाड़ियाँ खड़ी थी, उसके आड़ में डाल करके गए। 6 बजे के बाद ऐसी हालत हो जाती है कि कोई भी सुरक्षित नहीं है अपने आप में। मैं इस कॉलोनी में ही रहने वाला, मैं खुद सुरक्षित नहीं हूँ, और ना कोई पुलिस चौकी, कोई पुलिस वाला इधर आसपास में कोई है ही नहीं है। नमस्कार, मैं दिव्या और इस वक्त आप मेरे साथ देख रहे हैं झलको दिल्ली। देश की राजधानी दिल्ली को देश की राजधानी कहें या फिर क्राइम ऑफ कैपिटल, ये आप ही हमें बताइए। बीती रात को डाबरी, इस वक्त हम लोग डाबरी में मौजूद हैं, और ये डाबरी का एक तरफ नाला है और दूसरी तरफ चलता फिरता रोड है। और यहाँ पर बीती रात लगभग 7 बजे का समय बताया जा रहा है, जब यहाँ पर एक संदिग्ध हालत में एक लड़की का शव मिलता है, जिसमें बताया जा रहा है कि उसका फेस है वो जला होता है और बॉडी के जो प्राइवेट पार्ट है वो सभी जले होते हैं। किसी को भी ये अंदाजा नहीं लग पाया कि वो जो बॉडी है वो कहाँ से यहाँ पर आई। ये कल जो घटना हुई, कितने बजे की बात है ये? 4 से 4:30-5 के बीच की बात थी। अच्छा। उसके बाद यहाँ पे लोग कोई पेशाब करने आए तो उन्होंने देखा कि यहाँ पे एक बॉडी पड़ी है। पब्लिक इकट्ठी होने लगी, फिर काफी देर तक पब्लिक इकट्ठी हुई, 5-6 बजे तक पब्लिक देखते जाते रहे उसको। फिर एक आया लड़का, एक उसने फिर 100 नंबर पे कॉल की, फिर PCR आई। PCR आने के बाद उसने भी देखा कि हाल बहुत बुरा है इसका और डेड बॉडी पड़ी है, तो वो फिर अपने अफसरों को कॉल करके जो भी है उन्होंने फिर बॉडी को रिकवरी करके फिर वो लेके गए यहाँ से। बॉडी यहाँ से गई है 9 बजे के आसपास बॉडी गई है, और केस था ये 4:30-5 के बीच का केस था। यहाँ पर किसी ने ऐसा काम किया या कोई डाल के गया है बॉडी को ऐसे? नहीं, यहाँ पे डाल के गया, ऐसा कोई यहाँ पे काम नहीं किया है। डाल के पहले देखा था, नहीं थी 4:30 बजे? हाँ, यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं था। कोई गाड़ी में लेके आया या जो भी लेके आया? यहाँ पे 2 गाड़ियाँ खड़ी थी, उसके आड़ में डाल करके गए। ये जो बड़ी बड़ी गाड़ियाँ लगी रहती है यहाँ पे ऐसे, तो उन्हीं के आड़ में जो वो पता नहीं चल पाता। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, ये गाड़ियाँ लगी हुई थी। पहले भी ऐसा होता है या अभी ऐसा? नहीं मैडम, ये तो रास्ते बंद होने की वजह से ज्यादा क्राइम होने लगा यहाँ पे, पहले कुछ नहीं होता था। अगर लाइट और CCTV कैमरे लग जाए यहाँ और अगर रोशनी रहेगी यहाँ, तो कोई भी क्राइम यहाँ नहीं होगा, 90% नहीं होगा। हमें बात करें तो यहाँ CCTV कैमरे हैं, CCTV कैमरे हैं, गली में उतरते हैं, ठीक है, पर लेकिन रोड में इस पे नहीं है। और यहाँ होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये जो हालत है 6 बजे के बाद ऐसी हालत हो जाती है कि कोई भी सुरक्षित नहीं है अपने आप में। मैं इस कॉलोनी में ही रहने वाला, मैं खुद सुरक्षित नहीं हूँ। बताओ किसको कहाँ मारा और यहाँ आकर के डाल के गए, कौन बदनाम होगा? कॉलोनी के बदनाम होंगे कि इस कॉलोनी में ही ऐसे लोग रहते हैं, बट इस कॉलोनी के नहीं है। वो पता नहीं कहाँ के थे, कौन थे वो, इन्होंने जो भी किया, पर जो भी किया उसके साथ बेचारी के साथ बहुत गलत हुआ, ठीक है, बहुत बुरा सीन था उसके साथ, ठीक है, और बहुत बुरी बॉडी की हालत कर रखी थी उस बिचारी को। अगर कोई CCTV कैमरे के अकॉर्डिंग अगर वो पकड़े जाए तो उस दोषी को भी ऐसा ही हाल होना चाहिए, इस चीज़ को मैं खुद कहता हूँ। एक बात बताइए, आप सब लोग महिला, आपको लगता है कि देश की राजधानी में सुरक्षित है, जैसे यहाँ पर ऐसे लोग बॉडी फेंक के? अगर ये ऐसा माहौल होगा तो सुरक्षित नहीं है। आप लोग यही थे सर कल? हाँ, कल यहीं थे जब पता लगा था। हाँ। भीड़ हुई थी जब। ये बताइए, ये रोड जो पहले ओपन था बंद क्यों किया गया है? बंद नहीं मालूम क्यों किया गया है, लेकिन डाबरी SHO साहब ने ये ताला लगवा दिया था इस गेट में। उसके ताला किसने खोला है? ये यहाँ पे अभी सफाई कर्मी वालों ने खोला है यहाँ पर। हाँ। सफाई उपाय के लिए कैमरे भी नहीं है जी, कैमरे भी नहीं है। और ना कोई पुलिस चौकी, कोई पुलिस वाला इधर आसपास में कोई है ही नहीं है। आसपास के जो लोग यहाँ रहते हैं, उन लोगों का कहना है कि जो बॉडी है वो कोई व्यक्ति यहाँ पर फेंक कर गया है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल लगातार महिला सुरक्षा के बड़े बड़े दावे करते हैं कि महिला सुरक्षा के लिए हमने ये किया है, महिला सुरक्षा के लिए हमने वो किया है, लेकिन आप देख सकते हैं जो देश की राजधानी में महिलाओं पर जुर्म की वारदातें लगातार सामने आ रही हैं, वो कम होने का नाम नहीं ले रही। दिल्ली जो हाई अलर्ट पर 24 घंटे रहती है, दिल्ली पुलिस कहाँ सोई हुई है इस वक्त, ये बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता नजर आ रहा है। जो इस क्षेत्र के DCP हैं, जिनका नाम शंकर चौधरी है, वो लगातार बड़े बड़े अभियान चला रहे हैं, वर्चस्व जैसे, हम भी जैसे, लेकिन क्या इन सब अभियानों का कोई फायदा इस वक्त होता नजर आ रहा है? इस क्षेत्र में पहले भी बहुत सी वारदातें होती नजर आई है। आपको मेरे सामने ये गेट नजर आ रहा होगा, इस गेट में पहले ये चलता फिरता रोड था, लेकिन आसपास के लोग जो यहाँ रहते हैं वो कह रहे हैं कि जो यहाँ के SHO हैं उन्होंने इस गेट को बंद करा दिया। कारण क्या है? पीछे जो है आप देख सकते हैं फ्लैट है, फ्लैट के लोगों का कहना है कि यहाँ पर स्नैचिंग होती है और चोरी चकारी की जाती है, लेकिन क्या चोरी चकारी से और स्नैचिंग से बचने का जो मतलब है कि इस गेट पर ताला लगा दिया जाए, बजाय इसके कि यहाँ पर लाइटिंग का काम करवाया जाए, CCTV कैमरे लगवाए जाएं। ये CCTV कैमरे जो
मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल लगातार कहते हैं कि देश की राजधानी में सबसे ज्यादा काम किया गया है, बड़ी बड़ी उपलब्धियां गिनवाते हैं कि सीसीटीवी कैमरों पर जोर देकर बताते हैं कि हमने दिल्ली के हर कोने में सीसीटीवी कैमरे लगवाए हैं, लाइटिंग का काम करवाया है। आप इस क्षेत्र में देख सकते हैं 5 बजे 6 बजे के बाद इस क्षेत्र में अंधेरा हो जाता है। अंधेरे के बाद सभी जानते हैं जहां अंधेरा होता है वहां इस तरीके की वारदातों को अंजाम दिया जाता है, लेकिन क्या इस क्षेत्र में सीसीटीवी कैमरा नहीं लगना चाहिए? कूड़ा भी आप देख सकते हैं कितना ज्यादा है यहां पर। यहां के विधायक और यहां के निगम पार्षद का क्या हाल है इस क्षेत्र को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ पार्टियां विपक्ष पर जो तीर छोड़ने का काम करती है, उसके सिवा जो जमीनी स्तर पर जनता के लिए जो काम करना चाहिए कहीं ना कहीं वो सबके सब खोखले नजर आ रहे हैं। गंदगी आपको नजर आ रही होगी, ना ही यहाँ सीसीटीवी कैमरा है, ना ही यहाँ पर स्ट्रीट लाइट है। रात में तो क्या ही, दिन में भी महिलाएं अपने आप को कैसे सुरक्षित समझे देश की राजधानी में, ये इस वक्त बड़ा सवाल है। कहाँ है वो कानूनी व्यवस्था, कहाँ है वो अरविंद केजरीवाल के वादे जो लगातार वो महिला सुरक्षा के लिए करते रहते हैं, और जो ये अपराधी है वो बेखौफ होके घूमते रहते हैं, क्योंकि उन्हें भी पता है कि कानून इतना लचीला है, हम पर कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी, और कार्रवाई की भी जाएगी तो इतनी लेट की जाएगी कि आधे जो सबूत है वो ऐसे ही मिट जाएंगे। अब इस घटना को देखने के बाद क्या कोई महिला अपने आप को सुरक्षित समझती है? दिन की बात है ये, कोई रात नहीं हो रही थी। इस पूरी वीडियो पर आपकी क्या राय है हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। कैमरा पर्सन खुशी लाल के साथ मैं दिव्या झलको दिल्ली।